सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग अपाचे आरआर 310 BS6 मॉडल के बारे में। क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ इसमें नया अपडेट आने वाला है, क्या कुछ प्राइस बढ़ने वाली है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज बिल्कुल छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले चेंज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको न्यू BS6 इंजन मिलने वाला है, जिसमें कि आपको पावर का ड्रॉप देखने को मिल सकता है 0.5 से 1.5 HP तक का, एंड टॉर्क का भी आपको 1 से 2 न्यूटन मीटर तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बात कर लें यहाँ पे सेकंड चेंज के बारे में तो यहाँ पे आपको न्यू मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें कि आपको TFT डिस्प्ले मिलने वाली, जैसे कि आपको इसमें अब आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलने वाले, जो कि आपको अपाचे 204V वगैरह मिलता है वही सेम अब आपको इसमें मिलने वाला है। उसी के साथ साथ रियल टाइम माइलेज वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक वगैरह, गियर इंडिकेटर वगैरह, एंड सारी डिटेल आपको इस बाइक के मीटर में मिलने वाली है। मतलब हर चीज अब आपको मिलने वाली है, कोई कमी नहीं छोड़ने वाली TVS अब की बार। तो काफी अच्छा अपडेट लेके आने वाली है TVS। बात करूं नेक्स्ट चेंज के बारे में तो यहाँ पे आपको मिसलेन के टायर मिलने वाले हैं, जो जिनकी की कॉस्ट आती है 25,000। तो काफी अच्छा कर रही है TVS, मतलब अब रेसिंग टायर्स मिलते हैं अब आपको और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो टायर्स। तो बात कर लें यहाँ पे लास्ट चेंज के बारे में, जो कि आपको दिख ही गया होगा, शायद पता चल ही गया होगा पहली, जो कि इसका कलर एंड ग्राफिक्स। कलर और ग्राफिक्स बिल्कुल ही नए आने वाले हैं, जो कि एक तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्रे कलर का, तो ये आने वाला है। उसी के साथ साथ कुछ और भी कलर्स आ सकते हैं। यदि कोई लेने का प्लान कर रहा था RR 310 BS4, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ नए कलर्स ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए। उसी के साथ साथ कुछ क्या पता कोई और चेंजेस भी देखने को मिल जाए इन सबके अलावा। सो वेट कर सकते हो इस बाइक के लिए। यदि कोई लेने का प्लान करना चाहता है, कोई लेने का प्लान कर रहा है, तो प्लीज़ इस बाइक के लिए वेट कर लो, बिकॉज जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। मे बी 15 to 20 days ये बाइक लॉन्च हो जानी चाहिए इंडियन मार्केट में। सो इसके लिए वेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है अपने सेगमेंट में। लेकिन बात कर लो फाइनली इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है यहाँ पे। 20 मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 20 से 30,000 तक इसके प्राइस बढ़ सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इस बाइक के लिए। लेकिन जो फीचर्स इस बाइक में देने वाली है RR 310 में, जो फीचर्स देने वाली है TVS, वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो देखते हैं क्या कुछ नए और चेंजेस आने वाले इस बाइक में। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड मैं आपको बता दूंगा जो इसकी वीडियो क्लिप थी वो जिसने भी लीक की थी उस बंदे के ऊपर TVS ने केस डाल दिया है, बिकॉज उसने विदाउट एनी परमिशन उनकी जो बाइक है BS6 टेस्टिंग वाली बाइक की वीडियो बना के वायरल कर दी, उस वजह से उस बंदे के ऊपर केस डाल दिया। सो आप कभी भी ऐसा मत करना किसी भी बाइक की, यदि कोई टेस्टिंग पे चल रही है, मतलब कोई भी स्पॉट होती, तो उसको बिल्कुल भी उसकी वीडियो बना के वायरल मत करना, बिकॉज आप पे भी ऐसा ही कुछ केस वगैरह हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज कंपनी वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इससे, बिकॉज जो उनकी बाइक की इतनी भी डिटेल हो पहले ही लीक हो जाती है, एंड फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। सो गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत करना किसी भी बाइक के साथ या किसी भी कार के साथ, जो कि आप उसकी वीडियो बनाओ और लीक करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये थे कुछ आज की वीडियो में, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।